रीवा आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश ठाकुर और पुलिस बल मौजूद रहा। जो ऑर्डर्स हुए